क्या लगता है, यहाँ हमने देखा कि आपका बड़ा क्रेज है, जहाँ पर भी जा रहे हैं लोग सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन क्या लोग वोट देंगे आपको? निश्चित रूप से, क्योंकि पूरा देश, ये सिर्फ मैं आजमगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा देश जो है इस बात को समझ रहा है कि देश का भला किसमें है। आज नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा देश जो है वो एकजुट हो चुका है। सब लोग चाह रहे हैं कि वो फिर से प्रधानमंत्री बने। मैं जहाँ भी जाता हूँ, आपके सवाल का जवाब है, आपने पूछा कि जो लोग आ रहे हैं क्या वो वोट देंगे, तो जो लोग आ रहे हैं वो निरहुआ निरहुआ नहीं चिल्लाते हैं, वो मोदी मोदी चिल्लाते हैं। जो भी आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि निरहुआ ने मोदी जी को सपोर्ट किया है, इसने सही काम किया है। तो जो लोग आते हैं वो मोदी मोदी चिल्लाते हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ रहे हैं यहाँ से, अखिलेश यादव, एसपी बीएसपी साथ है, कांग्रेस भी उनको समर्थन कर रही है, क्या लगता है चुनौती कठिन है आपके लिए? बिल्कुल कठिन नहीं है, और वो इसलिए कठिन नहीं है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, और बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, ये दोनों लोग तो मिल गए, पर उनको जो वोट देने वाले जनता है वो तो मिली नहीं। उनको तो पहले मिलाना चाहिए था। आप गठबंधन कर रहे हैं, आपको लगता है आप ऊपर कभी किसी कोई कैसे मिल गए तो ये जनता भी मिल जाएगी? जनता समझ रही है कि ये लोग क्यों मिले हैं, तो जनता तैयार है ये बताने के लिए कि आप लोगों ने जो गठबंधन किया है उससे हम सहमत नहीं हैं। आप लोग आपस में मिल जाइए, बहुत अच्छी बात है, पर ये सभी लोग जानते हैं कि इनके लिए काम किसने किया है, इनके बारे में कौन सोच रहा है, देश के बारे में कौन सोच रहा है। जनता को तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, सोच के करी मतदनवा, मोरे गांव के लोग नहीं तद सवा बेच दी हैं बेईमानवा, मोरे गांव के लोग। देश से बढ़ के कुछ ना होला, सब बाटे बेकार, देश के हित में एक बार फिर से मोदी सरकार।